नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ चुकी है जो कि दिल्ली से आ रही है। जी हाँ, दिल्ली में कोरोना संक्रमण के लगातार खराब होते हालात को देखते हुए दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। जी हाँ, दिल्ली में अब 24 मई 2021 तक एक बार फिर से लॉकडाउन लगने जा रहा है। इस बड़े फैसले के अंतर्गत दिल्ली में पूर्ण लॉकडाउन लगाने की घोषणा की जा सकती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस लॉकडाउन में दिल्ली में ट्रेन चलेंगी या नहीं, और दिल्ली में किन सभी चीज़ों को खोला गया है और किन सभी चीज़ों को बंद किया गया है। क्या दिल्ली में सभी स्कूल, कॉलेज, दुकान और ट्रेनें बंद हो रही है? तो दोस्तों, पूरी जानकारी जानने के लिए आप लोग इस वीडियो में पूरे एंड तक बने रहिएगा। इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, मेरा आपसे आग्रह है, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में एक सप्ताह के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। इससे पहले की गई घोषणा के हिसाब से सोमवार 17 मई को सुबह 7 बजे लॉकडाउन खुल जाना था, मगर कोरोना संक्रमण को देखते हुए अब 24 मई 2021 तक दिल्ली में लॉकडाउन रहेगा। दिल्ली में अब सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान को 24 मई तक के लिए बंद करने का फैसला लिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक अहम बैठक में यह फैसला लिया है। चलिए दोस्तों, आप जान लेते हैं क्या इस लॉकडाउन में ट्रेन चलेंगी या नहीं। इस बार जो दिल्ली में लॉकडाउन लगाया गया है, तो इसमें ट्रेनों को किसी भी प्रकार से बंद नहीं किया जा रहा है, लेकिन हाँ, दिल्ली की बहुत सारी ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है। जो ट्रेन आती थी और जो ट्रेन जाती थी, वो सब भी दिल्ली की स्पेशल ट्रेन चलती रहेंगी, तो ट्रेनों को किसी भी प्रकार से बंद नहीं किया जा रहा है। जिस ट्रेन में पैसेंजर कम मिल रही है, उन ट्रेनों को कैंसिल किया जा रहा है। दोस्तों, आप बात कर लेते हैं दिल्ली सरकार किन सभी चीजों को बंद किया है और किन सभी चीजों को खोला गया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दिल्ली में किन सभी चीजों को बंद किया गया है। दोस्तों, इस बार जो दिल्ली में लॉकडाउन लगने जा रहा है, तो इसमें स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, सभी निजी संस्थान और धार्मिक स्थल को पूरी तरीका से बंद करने का फैसला लिया गया है। अब जान लेते हैं किन सभी चीजों को दिल्ली में खोला गया है। आपको बता दें, दिल्ली में अब टैक्सी, ऑटो, पेट्रोल पंप, ट्रेन, रिक्शा, ट्रांसपोर्ट, इन सभी चीजों को दिल्ली में खोला गया है और साथ में मेट्रो को बंद किया गया है। दोस्तों, ये सभी घोषणाएं अब 24 मई 2021 तक लागू रहेंगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग समझ गए होंगे कि दिल्ली में क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा, और ट्रेनों को किसी भी प्रकार से बंद नहीं किया जा रहा है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।